बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर पहुंचे, जहां जनता ने उनका जमकर विरोध किया और विरोध में नारे भी लगाए। आक्रोशित जनता ने उनके काफिले पर कीचड़ फेंका। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कई जिलों में आई बाढ़ ने भारी दवाई मचाई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाढ़ग्रस्त गांव का हवाई निरीक्षण किया। उनके साथ मुरैना और श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। श्योपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर को आक्रोशित जनता का सामना करना पड़ा। जनता ने उनके काफिले को रोक लिया और विरोध के नारे लगाए। उनके काफिले पर लोगों ने गाड़ियों पर कीचड़ भी फेंका। जनता जिला प्रशासन से खासा नाराज है। बताया जा रहा है कि बाढ़ के बाद कलेक्टर और सीएमओ ने लोगों की ओर पलटकर नहीं देखा। तोमर के श्योपुर पहुंचने पर बाढ़ से प्रभावित लोगों ने उनसे मिलना चाहा, मगर तोमर की सिक्योरिटी ने किसी को उनके पास नहीं आने दिया। हालांकि बाद में तोमर कार से उतरे और पैदल ही श्योपुर के निकले। गौरतलब है कि नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के सांसद हैं, जिसमें श्योपुर भी आता है। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चंबल संभाग में और ग्वालियर संभाग में अनेक जिलों में अति वर्षा के कारण काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण अनेक गांव यातायात से कट गए हैं। लगातार प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सभी जो फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए और उनका भोजन पानी बाकी सुविधाओं की व्यवस्था उनकी कराई जाए। जैसे ही परिस्थिति सामान्य होगी तो इन सभी गांवों का सर्वे कराया जाएगा और सर्वे में जिसका जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से नियमानुसार उसकी भरपाई की जाएगी। और सरकार की कोशिश है कि जो व्यक्ति भी इस बाढ़ से प्रभावित हुआ है उसको जो सुविधा हम सरकार की ओर से दे सकते हैं वो सभी प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयत्न करेंगे। मैं कल रात को भी मुरैना जिले में था, दोपहर में श्योपुर जिले में था, फिर मुरैना जिले में हूँ और मुझे लगता है कि अब जनजीवन सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या निर्देश रहेंगे आपके? स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय में जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ हैं और उनको समय पर भोजन मिले, भोजन के पैकेट उन तक पहुँचें, सूखा सामान उन तक पहुँचे, पीने का स्वच्छ पानी उन्हें मिले और कोई बीमारी उन्हें नहीं घेरे, इसके लिए वो निश्चित रूप से प्रयत्नशील है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।